और अब एक बड़ी खबर बच्चों से जुड़ी हुई, वो ये कि ट्वेल्थ के एग्जाम्स होंगे और 1 जून को शिक्षा मंत्री निशंक इसकी घोषणा करेंगे कि फॉर्मेट क्या होगा, तारीख क्या होगी, 12वीं बोर्ड की परीक्षा होगी। अभी तक इस पर संशय बना हुआ था, लेकिन अब ये तय हो चुका है जीएमओ की बैठक में कि शिक्षा मंत्री निशंक 1 जून को फॉर्मेट क्या होगा और कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए किस तरह से एग्जाम करवाया जाएगा, इसके अलावा तारीख का ऐलान भी करेंगे निशंक 1 जून। दोनों चीजें ही, सुरक्षा पहले और उसके बाद आपका भविष्य, इन दोनों को देख करके हम फिर 1 जून को आगे का आपको अवगत कराएंगे जो भी परिस्थितियाँ होंगी। हमने ये भी कहा था कि जब भी हम इस बात की घोषणा करेंगे तो कम से कम 15 दिन हम आपको देंगे, ताकि आपके मन में अचानक न हो कि कब तिथियों की घोषणा हो और कब फिर जो है आप संभलें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 25 मई तक सभी राज्यों के जो राज्य, कुछ ही राज्य हैं जिन्होंने ये कहा है कि हमको थोड़ा सा और भी मौका दीजिए, हालांकि उनका भी सकारात्मक रूप था, लेकिन और क्या क्या सुझाव हो सकते हैं उनके लिए, वो 25 मई तक उन राज्यों के सुझाव भी आ जाएंगे। और मैंने कहा है, अपने अभिभावकों से भी कहा है, आपसे भी कहा है, अध्यापक कर्ण से भी कहा है, यदि आपके भी कोई सुझाव होंगे तो मेरे ट्विटर पर आप अपने सीधे सीधे सुझाव भेज सकते हैं। मुझे भरोसा है कि जो हमने